हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी पांचवी वीडियो, पांचवा पार्ट अपनी मैथ की क्लास का। आज हम पढ़ रहे थे अभी तक क्लॉज ए से लेकर के तक, जो किसमें डील करते हैं, जो डील करते हैं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक बात ठीक है। हमने इसमें से क्लॉज ए फिनिश कर दिया था, क्लॉज बी फिनिश कर दिया था। आज बात करते हैं हम क्लॉज सी की। क्लॉज सी क्या कहता है? क्लॉज सी कहता है कि जब आप मैट कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो कौन से प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे? हम वो कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट के ऊपर। बुक प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो प्रॉफिट निकला है, उस प्रॉफिट में हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। डेबिट साइड में हम ये वाली एडजस्टमेंट्स करेंगे और क्रेडिट साइड में क्लॉज वन से लेकर क्लॉज फाइव तक जो एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे हम क्रेडिट साइड में। यहां तक बात ठीक है। क्लॉज सी शुरू करते हैं। क्लॉज सी क्या कहता है? क्लॉज सी कहता है कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड एज पर स्केड्यूल थ्री या फिर स्केड्यूल सिक्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज एक्ट, इस प्रॉफिट के अंदर वी शैल एड बैक। हम इसके अंदर क्या एड बैक कर देंगे? इस प्रॉफिट के अंदर हम कौन सा अमाउंट एड बैक कर देंगे? अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पर मेरा प्रॉफिट निकला और यहाँ पर वेरियस डेबिट जो एक्सपेंसेस हैं, क्लॉज सी कहता है कि इन सभी एक्सपेंसेस में से एक एक्सपेंस ऐसा है जिसको आपको ऐड बैक करना है इस प्रॉफिट के अंदर, यानी कि उस एक्सपेंस को हम अलाउ नहीं करेंगे। ये कौन सा एक्सपेंस है? ये कौन सा एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है दी अमाउंट। अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं लॉ की, जरा ध्यान से समझिएगा। द अमाउंट और अमाउंट्स, जब लॉ की लैंग्वेज पढ़ें तो लॉ की लैंग्वेज के साथ उनका दिमाग भी पढ़िए, लॉ मेकर्स का, कि उन्होंने किस चीज का दिमाग लगाया था, क्या सोच के लॉ बनाया था। अमाउंट और अमाउंट्स सेट असाइड टू प्रोविजंस मेड फॉर मीटिंग लायबिलिटीज other than ascertained liabilities. इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि लॉ ने यहां पर क्या लिखने की कोशिश करी है। The amount या फिर amounts set aside to provisions. प्रोविजंस मैंने क्रिएट किया अपनी बुक्स के अंदर, यहां पर मैंने कहीं ना कहीं एक प्रोविजन का अमाउंट डाल दिया खर्चे में। प्रोविजन एक तरह का प्रोविजन था या फिर कई तरह के प्रोविजंस थे जो मैंने बनाए थे किसी लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। लायबिलिटी यानी भविष्य की कोई मेरी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। लायबिलिटी यानी
फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। इस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए मैंने आज क्या करा है, मैंने आज कोई प्रोविजन क्रिएट कर दिया, एक तरह का प्रोविजन या फिर कई तरह के प्रोविजंस। अगर ऐसा कोई मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया अपनी बुक्स के अंदर, तो इस तरह का प्रोविजन मैं प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूंगा वापस। लेकिन लॉ ने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी, एक बेनिफिट डाल दिया कि प्रोविजन अगर आपने किसी असर्टेन्ड लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया है, अगर कोई लायबिलिटी असर्टेन्ड है, डिफाइंड है, अमाउंट आपके ध्यान में है, तो उसके लिए क्रिएटेड प्रोविजन शैल नॉट बी एडेड बैक। अगर इस तरह का प्रोविजन है, असर्टेन्ड लायबिलिटी के ऊपर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, तो उसको हम अलाउ कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसको क्रक्स में बातें करूं, तो असर्टेन्ड लायबिलिटी है, अगर क्या है असर्टेन्ड लायबिलिटी, तो प्रोविजन क्या मैं एड बैक करूंगा? नो एड बैक। और लायबिलिटी कौन सी है? अनअसर्टेन्ड। अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी है, तो प्रोविजन शैल बी एडेड बैक। क्या लॉ यहीं पे खत्म हो जाता है हमेशा? नहीं। लॉ की जो भाषा है, आप जरा पढ़िए, बड़ी ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर असर्टेन लायबिलिटी का पॉइंट आ गया है, यहाँ पर लायबिलिटीज का पॉइंट आ चुका है, प्रोविजंस का पॉइंट आ चुका है। तो सरासर सी बात है कि लोगों के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में अगेन लड़ाइयाँ हुई होगी, इसको इंटरप्रेट करने के चक्कर में ही लड़ाइयाँ हुई होगी बहुत सारी। हम इनमें से ही कुछ केसेस को ज़रा डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं केस लॉज को। एक केस लॉ है जो है सुप्रीम कोर्ट का। नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है इन द केस ऑफ भारत अर्थ मूवर्स। भारत अर्थ मूवर्स नाम की एक कंपनी थी। इस कंपनी के अंदर बताया गया कि अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, ये डिसाइड हुआ था इस केस के अंदर कि अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया है लीव एनकैशमेंट के ऊपर, लीव एनकैशमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयज को हम लीव देते हैं पूरे साल के अंदर अलाउ करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज लीव ना लें तो उसको हम उसके बदले, लीव्स ना लेने के बदले हम उसको कुछ कैश दे देते हैं। तो लीव एनकैशमेंट भविष्य की लायबिलिटी है जिसके ऊपर आज मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है। इसके लिए जो प्रोविजन मैंने क्रिएट किया है लीव एनकैशमेंट के ऊपर, अगर ये प्रोविजन साइंटिफिक बेसिस पे मैंने बनाया है, टर्म ध्यान में रखिएगा, ये इस क्लॉज में बहुत ज्यादा यूज होगी, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अगर मैंने कोई प्रोविजन क्रिएट किया है लीव एनकैशमेंट के ऊपर, तो दैट शैल बी अलाउड। मतलब सच प्रोविजन शैल नॉट बी एडेड बैक। बात समझ में आती है? अगला केस लॉ देखते हैं। अगर मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है ग्रेचुइटी के लिए, मैं एम्प्लॉयज को दूंगा ग्रेचुइटी जब वो हो जाएंगे रिटायर, उस लायबिलिटी के लिए मैंने आज क्रिएट किया है प्रोविजन। अगेन, अगर ये ग्रेचुइटी मैंने किसके आधार पे बनाई है? एक्चुरियल बेसिस के ऊपर मैंने बनाई है, एक्चुरियल वैल्यूएशन, जो एक्चुरीज होते हैं उसने वैल्यूएट करके मुझे अगर कोई प्रोविजन का अमाउंट बताया है, तो अगर मैं इस तरह का प्रोविजन बनाता हूँ ग्रेचुइटी के लायबिलिटी के ऊपर, जो वैल्यूएट किसने करा है? एक एक्चुरी ने किया है। तो इस तरह का प्रोविजन शैल नॉट बी
एडेड बैक। बात समझ में आती है? तीसरा देखते हैं, थर्ड वन। तीसरा कहता है, अगर मैंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, किसके ऊपर? ग्रेच्युटी के ऊपर, लेकिन ये इस बार का जो प्रोविजन है वो है एडहॉक बेसिस पे। किसके ऊपर है? एडहॉक बेसिस। एडहॉक बेसिस के ऊपर अगर मैंने कोई प्रोविजन क्रिएट किया है तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज अनअसर्टेन लायबिलिटी। और अनअसर्टेन लायबिलिटी के ऊपर जो प्रोविजन मैंने क्रिएट किया है दैट शैल बी एडेड बैक, मतलब ये अलाउ नहीं होगा, इस तरह का खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगला, अगर मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है वारंटी के ऊपर, जो मैं वारंटी दी है मैंने उसके ऊपर हम प्रोविजन बनाते हैं, अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा, कोई कंटिंजेंसी, कोई हैपनिंग फ्यूचर की, या फिर कोई लॉस, अगर मैंने इनके ऊपर कोई प्रोविजन क्रिएट किया है, कोई वारंटी के ऊपर, या फिर कोई कंटिंजेंसी, या फिर कोई लॉस के ऊपर, तो इस तरह के प्रोविजंस को मैं क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। कारण क्या है? कंटिंजेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वारंटी क्लेम कर भी सकता है कस्टमर, नहीं भी कर सकता है, असर्टेन्ड यहां पर कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह का मैं प्रोविजन क्रिएट करने लग गया तो प्रॉफिट मेरा बहुत कम हो जाएगा, मेरा मैट बहुत कम बनेगा। इस तरह के खर्चों को डिपार्टमेंट, सरकार अलाउ नहीं करती है, और सरकार कहती है कि अगर आपने प्रॉफिट कम कर दिया इस तरह के खर्चों की वजह से, तो इन तरह के खर्चों को आप वापस एड बैक कर दीजिए, और जो एडेड बैक प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स चार्ज करने दीजिए। बात समझ में आती है? लेकिन यहाँ पर एक तारा लगा हुआ है, एक कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आपने वारंटी के ऊपर, जो वारंटी के ऊपर जो प्रोविजन क्रिएट किया है दैट शैल बी अलाउड प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन रखी है कि जो कैलकुलेट हुआ है ये किसके ऊपर हुआ है? साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेट हुआ है। क्या आपके एग्जाम में साइंटिफिक बेसिस का कुछ कैलकुलेशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरह का कोई प्रोविजन बनाया है वारंटी के ऊपर, क्योंकि कंटिंजेंसी के ऊपर कभी कोई साइंटिफिक बेसिस प्रोविजन नहीं बन सकता, ना ही लॉस के ऊपर कभी आप साइंटिफिक बेस पे प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन वारंटी के ऊपर आप बना सकते हैं अपने स्टैटिस्टिक को देखते हुए। तो अगर आपने वारंटी के ऊपर प्रोविजन बनाया है वो भी साइंटिफिक बेसिस पे, तो अगर आपने साइंटिफिक बेसिस पे बनाया है तो कहीं ना कहीं वो एक असर्टेन लायबिलिटी है। आपकी रेशियोज, आपकी स्टैटिस्टिक, आपकी जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं अगर आपने बनाया है तो आपको ऐसा खर्चा अलाउ कर देंगे सरकार। ये केस किसका है? पार्टी का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रोटॉक कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि केस का आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। लास्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या ये अलाउ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? एड बैक कर देंगे हम प्रॉफिट के अंदर। लेकिन प्रोविजन ना होते हुए सिर्फ बैड डेट्स हैं, मेरा एक्चुअल में लॉस हो चुका है, मेरा एक्चुअल में खर्चा हो चुका है, बैड डेट्स हो चुके हैं, तो क्या ऐसे बैड डेट्स अलाउ होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भी प्रोविजन नहीं है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाए तो डिसअलाउड हो जाएगा मैट के कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मली बैड डेट्स ही हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स आ चुके हैं, तो उस बैड डेट्स को मैं कभी एड बैक नहीं करूंगा प्रॉफिट के अंदर। वो बैड डेट्स मुझे अलाउ कर देगी सरकार कि भाई आपको घाटा हो चुका है। हकीकत में प्रोविजन एक एस्टिमेट था कि भविष्य में घाटा होगा, लेकिन बैड डेट्स आर रियल एक्चुअल घाटा, इस वजह से इनको हम एड बैक नहीं करेंगे, ये अलाउ हो जाएंगे और इनको हम एड बैक
बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, ये क्लॉज यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, हम अगले क्लॉज में, अगले क्लॉज के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, सी यू।